हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डू आजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बीए सेकेंड ईयर का यानी पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर का यहाँ पर पेपर हो चुका है और इसका नंबर भी मुझे प्राप्त हो चुका है और तीसरा सेमेस्टर मेरा चालू हो रहा है और तीसरे सेमेस्टर में मैं अपना स्कॉलरशिप ऑनलाइन करने वाला हूँ और ऑनलाइन करने के बाद मांग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CGPA ये आपका नंबर दिया है और वहाँ पर गत वर्ष में जो स्कॉलरशिप अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो गत वर्ष में मांग रहा है कि गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक, तो कितना आप भरेंगे प्राप्तांक में और कितना पूर्णांक में भरेंगे और उसके बाद परसेंटेज भी मांग रहा है, तो आपको इसका 7.82 का परसेंटेज क्या होगा, कितना पूर्णांक होगा, मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। सो आज बिना देरी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर से आपको यूपी स्कॉलरशिप का मेन पोर्टल खोल के आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड डालकर आपको अपने स्कॉलरशिप वाले फॉर्म पर आ जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा स्टूडेंट है, यहाँ पर मैंने टाइप किया और यहाँ पर सारा चीज रिन्यूअल करना है मुझे। रिन्यूअल करने के बाद उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर देन यहाँ पर स्टूडेंट लॉग इन पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आएगा कि अपना रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड डाल के अपना फॉर्म खोल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर मैंने यहाँ पर खोल रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना फॉर्म खोल लिया है और खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन दिया, मैंने सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको कॉर्नर में ही एक ऑप्शन मिलेगा 3 लाइन का, यहीं पर आपको टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, अब जैसे आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप किया, उसके बाद जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे नवीन आवेदन पत्र को संशोधन करें, यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पर आपको टाइप कर देना होगा। चलिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। शैक्षणिक ये भी आप भर सकते हैं, पहले से आपको सारा चीज यहाँ पर कम्प्लीट है। हमें दिक्कत आपको अगर आ रहा है तो गत वर्ष में, तो गत वर्ष पर आपको टाइप करना है। अब जैसे आप यहाँ पर गत वर्ष में टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं पहले जो आपका सैलरी था, पहले जो आपका भरा हुआ था, इस आपको सारा आपको यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद आपको शुरू से भरना है, गत वर्ष का परीक्षा पर यानी पास है तो आप पास को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको सेमेस्टर प्रणाली पर आपको टाइप कर देना होगा। मैं सेमेस्टर प्रणाली पर टाइप करता हूँ। उसके बाद आपको गत वर्ष की अंक प्रणाली यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर वार्षिक प्रणाली है तो आपको यहाँ पर करना है CGPA प्रणाली, आपको CGPA प्रणाली पर आपको टाइप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गत वर्ष का प्राप्तांक, यहाँ पर आप देख सकते हैं गत वर्ष का प्राप्तांक, यहीं पर आपको जो पहले नंबर दिया रहता था अब यहाँ पर परसेंट दशमलव में दिया है, तो आपको यहाँ पर टाइप करके आपको जितना पाए हैं यानी CGPA आपका रिजल्ट जो दिखा रहा है, मेरा दिखा रहा था 7.82, यहाँ पर मेरा दिखा रहा था 7.82, यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में आपको दिखा रहा है गत वर्ष का पूर्णांक, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक आपको करना है 10 का पूर्णांक, ये रहता है CGPA का 10 का पूर्णांक रहता है, तो आपको यहाँ पर 10 लिख देना होगा। चलिए मैं 10 लिख देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 10 लिख दिया। उसके बाद 10 लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका गत वर्ष का प्रतिशत, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये आ चुका है 78.20% यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना शिक्षण संस्था का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, उस स्कूल का यहाँ पर नाम देना होगा। नाम देने के बाद आपको ये कैप्चर यहाँ पर फिलअप करने होंगे, फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर आपको ये ट्रिक लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट पर आपको टाइप कर देता है, कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर सारा चीज मैंने यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख कर मैं सबमिट पर टाइप करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये कैप्चर फिलअप कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। जैसे आपका सही का ट्रिक लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सारा चीज आपको एक बार और देख लेना होगा। उसके बाद आपको अपडेट पर आपको टाइप कर देना होगा। चलिए मैं यहाँ पर अपडेट है, मेरा यहाँ पर अपडेट है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपडेट, यहाँ पर ये आपका अपडेट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो अपडेट किए हैं यहाँ पर ये आ चुका है। तो दोस्तों, ऐसे आप गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक आप आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।